उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को इंदौर दौरे पर पहुंची। इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने उनके इंदौर आगमन पर उनका स्वागत किया। इसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मंत्री तुलसीराम सिलावट और कलेक्टर आशीष सिंह रेसिडेंसी कोठी पर वृक्षारोपण किए। इस अवसर पर मंत्री सिलावट ने मध्य प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों और भावी योजनाओं की जानकारी दी। टीकमगढ़ जिले के जतारा बीआरसी भवन में समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने पीडब्ल्यूडी एसडीओ डीपी साहू को समय पर सड़कों के निर्माण का आदेश दिया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि काम के प्रति लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुरहानपुर जिले के कई ग्रामीण क्षेत्र सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ता है। कच्ची सड़क बारिश होते ही कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। ऐसे में बच्चे जैसे तैसे गिरते पड़ते स्कूल जाते हैं, जिससे उनकी गणवेश खराब हो जाती है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में जितने भी गांव आ रहे हैं, कई गांवों में स्कूल जाने वाले बच्चों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सब देख रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई किसी प्रकार से इनकी सुनवाई नहीं ले रहा है। और इन लोगों को कितना भी बोला जाए तो ये अनदेखा कर रहे हैं, जिसके चलते हुए बच्चे स्कूल जाते जाते ही पूरा भर जा रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करें। धन्यवाद। मैं दत्तू मेड़े, राष्ट्रोपाध्यक्ष भीम। आगामी त्योहारों को लेकर इंदौर जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है और मिलावटखोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में गुरुवार को पालदा क्षेत्र स्थित दो फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। फैक्ट्री में एक्सपायरी डेट और फफूंद लगी चॉकलेट मिलने पर अधिकारियों ने आनंद प्रोडक्ट कंपनी को सील कर दिया। इंदौर में लंबी दूरी की बसों को संचालित करने वाली कई ट्रैवल्स कंपनियों पर जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने बताया कि लंबी दूरी के लिए चलने वाली बसें शहर में आती है और सवारियों को उतारने के बाद लंबे समय तक सड़क किनारे खड़ी रहती हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती थी।